हेलो क्लास सिक्स वेलकम टू जनित गुरु मैं हूं कि पंडित और हम यहां पे कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट एंड दिस इज आर लेक्चर नंबर टू और आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है एन इलेक्ट्रिक सर्किट से ठीक है तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा ठीक है चलिए एन इलेक्ट्रिक करेंट और यस एन इलेक्ट्रिक सर्किट

वर कनेक्टेड टू दी टू टर्मिनल ऑफ दी बल्ब। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट तो हमेशा ऑपोजिट टर्मिनल अगर कनेक्ट होंगे तो एक कंटिन्यूशन फ्लो में करेंट जाएगा द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू पास बिट्वीन दू टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द बल्ब ग्लोज ओनली वेन द करंट फ्लो थ्रू दर्किट बल्ब तभी ग्लो होगा जब हमारे पास एक कंप्लीट सर्किट होगा और उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा ठीक है एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एज शोन इन फिगर 9.6 तो करंट कहां से कहां पे फ्लो होता है आपने एक सर्किट बनाया ठीक है यहां पे आपने क्या कर दिया है <coughs> ये आपने बैटरी लगा दी इसमें यहाँ पे आपने स्विच लगा दिया ठीक है और ये क्लोज हो गया अब करंट कहां पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है इस चीज का आपको ध्यान रखना है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ओके okay? कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट गया, गया पास हुआ पास हुआ एंड पे आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा ठीक है व्हेन दी when the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires the current pass through the filament of the bulb this make the bulb glow जब करंट पास होगा वायर के थ्रू एंड वो किसके पास जाएगा फिलामेंट के पास जाएगा जो बल्ब में है तो वो क्या करने लग जाएगा ग्लो करने लग जाएगा जलने लग जाएगा सम टाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट्स कनेक्टेड टू दी सेल हो सकता है कि कोई कनेक्शन लूज रह गया हो ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि हम जो बहुत शानदार बल्ब जलाने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले से फ्यूज हो तो कुछ भी रीजन इसका हो सकता है ठीक नाउ दिस हैपन दिस मे हैपन इफ द बल्ब हैज फ्यूज लुक एट द फ्यूज बल्ब केयरफुली इज द फिलामेंट इनसाइड साइड इज इनेक्ट तो देखो यहाँ पे क्या है अगर फ्यूज रहेगा फिलामेंट दैट स वहां से ब्रेकेज है ब्रेकेज है तो कनेक्शन नहीं जुड़ा कनेक्शन नहीं जुड़ा तो बल्ब नहीं जलेगा ठीक है क्लियर है इतना आगे बढ़े अब हम नाउ एन इलेक्ट्रिक बल्ब में बी फ्यूज ड्यू टू दी मेनी रीजन एक इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज किन किन रीजन की वजह से होता है वन रीजन फॉर दी बल्ब टू फ्यूज इज टू ब्रेक एन इट्स फिलामेंट पहला की फिलामेंट जो है वो ब्रेक हो जाए

filament. Okay? Now, can you now explain why the bulb did not glow when you tried to do so with the arrangements shown in figure 9.5, B, C, D and E? So, nahi jala hoga? Thay, Now we know that to make a bulb light up using an electric cell, would you like to make a torch for yourself?

टिप ऑफ देश अदर टर्मिनल इन दिदिटिव टर्मिनल यहाँ पे ये देखो दिग्ञा हमारे पास एक सेल है ठीक है सेल को हमने क्या कर दिया यहाँ पे वायर था अच्छे से रबड़ से रैप कर दिया एक टर्मिनल हमने यहां पे लिया और उसको बल्ब के एक टर्मिनल से जोड़ दिया यहां से दूसरा टर्मिनल लेंगे और बल्ब के दूसरे टर्मिनल से हम जोड़ देंगे और ये क्या करने लग जाएगा ये ग्लो करने लग जाएगा अ होम मेड टॉर्च अरेंजमेंट अब पहेली की देखो अपने ही अलग अरेंजमेंट चल रहे हैं यहाँ पे पहेली ने जोड़ दिया सारी चीजें पहेली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ दिस सेल एंड द बल्ब विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स तो क्या क्या किया है एक यहाँ से इधर कनेक्ट कर दिया और आई थिंक इसको इसी में टच किया लेट्स सी डज द बल्ब ग्लो नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल द डज द बल्ब रिमेन लाइटेड अब देखो अगर दोनों टर्मिनल कनेक्टेड होंगे सेल के दोनों टर्मिनल से तब तो बल्ब ग्लो करेगा और अगर टर्मिनल से थोड़ा सा भी वो डिटैच हुआ तो बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा इज दिस नॉट सिमिलर टू वेन यू स्विच यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ तो जस्ट वैसा ही है ऑफ करेंगे तो कनेक्शन ब्रेक ऑन करेंगे तो कनेक्शन जुड़ गया ऐसे ही अगर डायरेक्टली हमने टर्मिनल से अटैच करवाया है हटा दिया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया जोड़ दिया तो फिर से बॉन्ड बन जाएगा यानी कि सर्किट बन जाएगा और करंट पास होना शुरू हो जाएगा ठीक नाउ इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बात करेंगे अब हम कि electric switch क्या है? बल्ब अवे फ्रॉम टिप मतलब एक वायर से हमने जोड़ा और एक को सिर्फ उसमें क्या कर दिया टच कराया था अवे फ्रॉम द टिप ऑफ दिल दिस वॉज अ सिंपल स्विच अलग से हमने कुछ भी खर्चा नहीं किया हमने क्या कर दिया ये एक टाइप का सिंपल स्विच है नॉट वेरी ईजी टू यूज वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन आर सर्किट तो अब हम और इजीयर तरीके से स्विच बना सकते हैं काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं टू मेक अ स्विच ठीक है बस सर्किट जोड़ना और तोड़ना ही तो है बन गया हमारा स्विच है ना ना एक्टिविटी फोर की हेल्प से समझेंगे कि हम स्विच कैसे बना सकते हैं

कनेक्ट कर दिया ठीक क्लियर है इतना अब क्या होगा नाउ नाउंग पेन एन टू द रिंग एट द वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्मोकॉल शीट एज शोन इन द फिगर मेक श्योर दैट द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट फ्रीली नाउ फिक्स द अनदर ड्रॉइंग पिन ऑन द थर्मोकॉल शीट ऑन द वे दैट फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट यहाँ पे देखो इस तरीके से सारी चीजें हैं अब यहाँ पे क्या होगा अगर इसको हमने इसको बस इसको इसको हमने 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 कर बस इसमें करेंगे। जैसे किया होना हो जाएगा। हटा दिया सर्किट इनकम्प्लीट बल्ब ग्लो नहीं होगा तो ये यह हमने यहाँ पे क्या बना दिया एक ठीक है क्या बना दिया नाउ मेक बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल and a bulb with this switch as shown in figure. Rotate the safety pin so that it free and touches the other drawing pin. What do you observe? Now move the safety pin away. So jab close leke jayenge to circuit will complete. Jab door leke jayenge to circuit incomplete ho jayega. Does the bulb continue to glow? Pass leke of course, door leke jayenge no. The safety pin covered the gap between the drawing pin when you made it touch two of them.

सर्किट भी ऐसी चीज का बनाएंगे ना जो अलाउ करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कि हाँ भाई उससे पास हो जाए ऐसा हम सब्सटेंस क्यों लेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे तो भी सर्किट कंप्लीट कर लेगा कोई फायदा नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास ही नहीं हो पाएगा तो ऐसा मटेरियल चूज करना पड़ेगा व्हिच अलाउ करंट टू पास थ्रू इट ठीक थ्रू इट द सर्किट वाज कंप्लीट हैंस द बल्ब ग्लो

है ना एंड द बल्ब ग्लो कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा ठीक है कुछ इस तरीके से हमको ये दिखेगा पूरा देखना है ये टॉर्च के अंदर का है इसके अंदर हमने दो सेल लगा दी तो देखो एक तो सारी चीजें से कनेक्टेड है दिस इज द येलो लाइन है ना ये पूरा क्या करें सर्किट पूरा इससे ये कंप्लीट है

अभी ये दोनों आपस में कैसे हैं जुड़े हुए हैं ये दोनों आपस में कैसे हैं जुड़े हुए हैं क्योंकि स्विच ऑन था स्विच ऑफ करेंगे तो इसको खिसका के हम ऊपर लेके चले जाएंगे ठीक है इसको खिसका के ऊपर लेके चले जाएंगे तो अब इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं रहेगा यहीं से सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया जैसे ही हमने स्विच ऑफ किया सर्किट यहाँ से ब्रेक हो गया तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा जैसे हमने स्विच को नीचे किया ये इससे चिपक गया और एक सर्किट कंप्लीट हो गया क्लियर है पार्ट हमें कुछ ऐसा दिखेगा ठीक स्विच इस तरीके से काम कर रहा है सॉकिट और कंप्लीट इट ठीक या तो वो सॉकिट को क्रेक कर सकता है द स्विच इज यूज इन लाइटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड दिवाइज इन होमवर्क ऑफ द सेम

और पिंस को अगर हमने कनेक्ट किया दैट मीन सर्किट इज कम्पलीटेड एंड बल्ब ग्लो बट वो पिन पिन क्या कर रहा है अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट अगर पिन की जगह हम वुड ले लेते हैं तो भी सर्किट इज वु पर क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगा नहीं होगा तो उसके लिए चूजिंग ऑफ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट हम कौन सा मटेरियल चूज कर रहे हैं उस मटेरियल का नेचर कैसा है दैट इज इंपॉर्टेंट तो उसी के लिए हमको इंसुलेटर एंड कंडक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा सो so,

तो मेटल मेटल क्या करते हैं कंडक्ट कराते हैं क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है ठीक है ठीक क्या होता है? ले तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवा पाएगा सर्किट कंप्लीट कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक वटीरियल कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट दर्क सो पास थ्रू द आउट तो कैसा हमें मटेरियल लेना पड़ेगा हमें ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट यू यूज इन एक्टिविटी फोर दिस वु यू विद्री एंड ऑफ दायर एस चोन इन फिगर तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अब इसकी जगह आप डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल रखे लाइट को ग्लो करा के देख सकते हो

ठीक अब आप ग्रेफाइट रख के देख सकते हो पेंसिल में जो लेड आती है आप उसको रख के देखो और आप देखोगे कि वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है ठीक कलेक्ट सैंपल्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल जैसे कि कॉइन कॉर्क रबर ग्लास की पिन प्लास्टिक स्केल वुडन ब्लॉक एल्युमिनियम फॉइल कैंडल स्विंग निडल थर्मोकॉल पेपर पेंसिल

डी बल्ब ग्लो इन ईच केस दो आंसर इज नो हर केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्यों क्योंकि कुछ मटीरियल ऐसे है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ही नहीं देते हैं मेक अ टेबल इन योर नोट बुक एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर तो कंडक्टर क्या होता है की मेटल है पास होगा इरेजर रबड़ है पास नहीं करेगा स्केल प्लास्टिक है इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा बल्ब ग्लो नहीं होगा मैथस्टिक वुड है बल्ब ग्लो नहीं होगा ग्लास बल्ब ग्लो नहीं होगा आयरन नेल यस इससे बल्ब ग्लो हो जाएगा तो जितने भी मेटल्स होते हैं दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट नाउ डू यू फाइंड What do you find the bulb does not glow when the free end of the wires are contact with some of the material that you have tested? So wood hair, rubber, plastic, paper, glass, electricity flow. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some material allow electric current to pass through it. So the material which allow electric current to pass through it.

ठीक है एक तो की हो जाएगा दूसरा नेल है यह भी कंडक्टर है और अगर वायर्स वगैरह होते हैं तो वो भी कंडक्टर होते हैं इंसुलेटर में वुड आ जाता है ग्लास है प्लास्टिक्स है ठीक है ग्लास एंड प्लास्टिक्स वॉट डू यू कंक्लूड Which material are conductor and which are insulator? Recall the objects that we grouped as those having luster in the chapter 2. Are they, are, are they the conductors? Now seems easy to understand why the copper, aluminium, and the other metals are used for making wires. Because the metals are conductors.

उसमें करंट पास होता तो मैं दूर से झटका लग जाता क्यों क्योंकि एयर अगर गुड कंडक्टर होता तो हर वक्त हमें झटका ही झटका लग रहा होता ठीक इट मीन एयर इज ऑल्सो एन इंसुलेटर जो एयर होता है वो क्या है इंसुलेटर है कंडक्टर नहीं है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि अगर कंडक्टर कंडक्टर होगा मान लो वायर कंडक्टर है ठीक है कोई सी वायर जाएगी हम उसको टच करेंगे हमें करंट लग जाएगा

On the other hand, rubber and the plastic are used for the covering electric wires, plug top, switches, and the other part of the electrical appliances. Which help might touch? Your body is a good conductor of electricity. Starting with this current. ठीक है आपने उसको जाके टच कर आपको, आपको टच करेगा उसको भी आर अ गुड कंडक्टर हम एक अच्छे कंडक्टर हैं हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है ठीक देर फॉर बी केयरफुल वेन यू हैंडल एन इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस तो इसका खास ध्यान देना है हमें हमेशा स्लीपर्स पहनने चाहिए ठीक है ताकि

चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच